सो इन द लास्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किए, एटॉमिक रेडियस डिस्कस किए एंड अकरेंस डिस्कस किए, ओके, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किए, नेक्स्ट डेंसिटी डिस्कस हुआ एंड मेटेलिक रेडियस डिस्कस हुआ एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. First line in every sections I have written that do not show the regular changes. That means यहाँ पर कोई regular changes नहीं है जो आप लोग S block में पढ़ते आए हो. S block में तो regular changes हैं. Okay, समझ रहे हो ना? And then next boiling point. Then that this is a table for density, melting point, boiling point, and sublimation energy. And sixth number heading is ionization enthalpy. And seventh number is electronegativity. So anyone have any doubts in electronegativity or previous one? किसी को कोई problem है? Okay, no, now. Sir. So we will start the next oxidation potential. Sorry, oxidation potential to ho gaya, I think. The oxidation state. Okay. Hum log start kar rahe hain, that is oxidation state. Oxidation potential, I think nahi hua na. Oxidation potential. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं हुआ. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हेडिंग नंबर 8. Okay, the standard oxidation potential of these elements. किसी को idea है क्या होते हैं oxidation potential? Anybody have? Low होते हैं, high होते हैं, या किसी को कोई value idea है उसमें कितना होता है? Okay, वो सब छोड़ो. Standard oxidation potential E positive and E negative. Anybody have any idea? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज हाई एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज लो. ओके, वो तो होता, बट वी हैव डिस्कस इन डिटेल्स व्हाट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल. किसी को जरूरत है इधर पे एक्सप्लेन करने की, आप लोग एस ब्लॉक का चैप्टर आप लोग रेफर करना. ओके, कि ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड व्हाट इज द मीन ऑफ E positive जो ये साइन बना रहता है एंड E negative ये साइन बना रहता है, और यू कैन रेफर NCERT, उसमें इन डिटेल्स में लिखा रहेगा. ओके, अगर किसी को डाउट है मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. ओके, बट राइट नाउ वी आर नॉट, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी अभी रिसेंट में एस ब्लॉक खत्म हुआ, वहां पे मैंने डिटेल्स में बताया. सो द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर क्वाइट हाई. ओके, स्टैंडर्ड पोटेंशियल हाई. ओके, सो दैट इज ऑक्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. Anybody knows the what is the oxidation state of these elements? इसके बाद मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बताता हूँ आपको. ओके, दैट इज E पॉजिटिव फॉर M3, M2, M+3. ओके,
नाउ फॉर बोरोन, बोरोन के लिए कितना होगा एंड एल्यूमिनियम के लिए कितना होगा? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? लाइक जो मेटल्स हैं, हम लोग मेटल्स की बात करते हैं, ओके okay? ये मेटलॉइड्स वाला कैरेक्टर शो करता है कभी कभी, 1.66, प्लस 0.56 एंड 0.34, 1.26, ओके एंड देन इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो एम से एम पॉजिटिव होता है स्लाइटली लोअर देन दिस होता है, ओके थोड़ा सा कम होता है इससे, दैट मींस ये मान के चलो कि ये 1.6 है तो ये 0.6 के आसपास होता है, ओके नियर अबाउट 0.6 एंड दिस विल बी द नियर अबाउट 0.0 समथिंग 1, 2, 3 के आसपास होता है, नॉट रिमेम्बर द करेक्ट वैल्यू, उसका करेक्ट वैल्यू आइडिया नहीं है, बट दिस विल बी द 0.20 एंड 0.35 ये इसके आसपास रहता है, आई थिंक इसका वैल्यू 0.10 के आसपास रहता है, ओके सो फॉर एम से एम पॉजिटिव के लिए एंड एम से एम थ्री पॉजिटिव के लिए द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लियर? हाँ सर, ओके द बोरॉन डज नॉट शो द पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस एंड हैज वेरी लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने शो नहीं किया. नेक्स्ट पॉइंट यू शुड राइट द नेक्स्ट पॉइंट कि बोरॉन क्यों नहीं शो करता है. Does not positive ions in solution. Very low oxidation potential. Okay. Awesome. Now, anybody know the what? Why the higher value of these ion, jo potential hai, oxidation potential, inki value high kyun hoti hai? What is the reason behind this? बिकॉज मैंने स्टडी किया, हम लोगों ने बताया, डिस्कस भी किया था कि जो एल्कली मेटल्स थे उनकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई क्यों होता है. द हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आर ड्यू टू विच द हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन, ओके और हाइड्रेशन एनर्जी लिख सकते हैं, हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन, ओके एंड इनका स्मॉलर साइज होता है, स्मॉलर साइज ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन ऑन अकाउंट ऑफ स्मॉलर साइज साइज ऑफ ट्राइवेलेंट. Trivalent cations.
बिकॉज उसका थ्री आयंस रिमूव हो जाएंगे तो उसका साइज रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? दैट मीन्स उसका स्मॉलर साइज हो जाने के कारण उसका हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाने के कारण उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ओके, वी विल डिस्कस द कि लिथियम का हाइड्रेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, डिस्कस हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ हुआ था। बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज और हाइड्रेशन एनर्जी डिस्कस हुआ था हमको। ओके, तो आप लोगों को वो चैप्टर कीप इन माइंड, आपको वो याद रखना है, बिकॉज कोई एक चैप्टर अगर याद रखे रहोगे तो आप उससे इंटरकनेक्ट कर पाओगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज एल्यूमिनियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, एंड कैन रिड्यूस ऑक्साइड विच आर नॉट रिड्यूस इवन बाई कार्बन। ओके, दिस इज ड्यू टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम ओके ओके नाउ कैन एन एनर्जी टेल द रिड्यूसिंग नेचर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर क्या चेंज होता है? रिड्यूसिंग नेचर ओके क्लियर ना? नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, सर यस सर डाउट था, हाँ बोलो। सर वो एल्यूमिनियम ग्रेटर देन थैलियम ग्रेटर देन गैलियम ग्रेटर देन इंडियम आना चाहिए था ना? एल्यूमिनियम ग्रेटर देन थैलियम ग्रेटर देन इंडियम, वही तो लिखा, ग्रेटर देन ही तो लिखा है मैंने। सर नहीं, एल्यूमिनियम के बाद थैलियम आना चाहिए ना, क्योंकि थैलियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। थेलियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है ना गैलियम और इंडियम से? हाँ वो ज्यादा, बट मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दिस आई थिंक। ओके, मैंने क्या इसका ज्यादा लिखा, एल्यूमिनियम ओके इसका रिड्यूसिंग, हाँ यहाँ पे ये आएगा थेलियम आएगा। ओके वेरी गुड, डाउन द ग्रुप जाने पर चेंज होता है बट यहाँ पर थैलियम आ जाएगा। ओके हाँ सर।
क्लियर है ना? ना अभी किसी को डाउट है? नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके सर, ये 9th नंबर का है ना? ओके, 9th नंबर पॉइंट है. मैं पॉइंट नंबर भूल गया था इसलिए. ऑक्सीडेशन स्टेट. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स? प्लस थ्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स प्लस थ्री. ओके ना, एक्चुअली मैं इसमें एक इनर पेयर इफेक्ट होता है जो शायद आप लोगों को मैंने डिस्कस किया होगा या नहीं किया होगा तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. दैट इज कॉल्ड इनर पेयर इफेक्ट. एनीबडी हैव एनी आइडिया व्हाट इज द इनर पेयर इफेक्ट? हाँ वो सर. हाँ बताओ. वो प्लस थ्री स्टेट ऑफ थैलियम इज ग्रेटर देन गैलियम. स्टेट ज्यादा प्रेडोमिनेंट होता है. हाँ वेरी गुड. सो देखो, फर्स्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करता हूँ डाउन द ग्रुप जाने पर. जो इसमें एक ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिस जो नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ग्रुप, उसको ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं. दैट इज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप नंबर 13 ओके एंड 14 15 16 17 एंड 18 ओके. नाउ अभी इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको मैं NH2 NP1 यहाँ पर NP2 NP3 NP4 NP5 Anybody have any doubts? किसी कोई डाउट तो होगा नहीं ना? ओके नाउ अगर मैं एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दूं, दैट इज ये बोरोन होगा, ये नेक्स्ट क्या होगा? कार्बन. नेक्स्ट नाइट्रोजन. नेक्स्ट ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हीलियम. ओके, हीलियम या नियोन जो भी है ऑर्गन, जो नोबल गैस है उसको लिख दिया. ओके नाउ द जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट मींस जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स दैट मींस एस एंड पी के दोनों के सम होते हैं, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं उनको. एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 3 होगा यहाँ पे. ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, दैट मींस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5. इसका प्लस 6. इसका प्लस 7 एंड इसका प्लस 8 करके ले सकते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके नाउ जो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट मींस अदर ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस 2 यूनिट्स रिड्यूस हो जाती है. दैट मींस यहां पर अगर 13 ग्रुप एलिमेंट्स की बात करूं, दैट मींस इसकी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट्स कम हो जाती है. दैट मींस ये कितना हो जाएगा? +1. दैट इज +1 +2 +3 +4 +5 +6. इस तरीके से दैट मींस जो इनिशियल के एलिमेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग के एलिमेंट्स, दैट मींस बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, वो जो टॉप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट मींस ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं. एंड डाउन द ग्रुप जाने पर उनकी जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू है, जो उसका नेचर है, वो कम होता जाएगा. दैट मींस डाउन द ग्रुप जाने पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी कैरेक्टर है वो बढ़ता जाएगा. ओके हाँ सर. नाउ सो वो कैसे बढ़ता है, हम लोग उसकी बात करते हैं. ओके अब ये तो नॉर्मल से जनरल सी बात हो गई जो आपको सारे ग्रुप एलिमेंट्स के लिए
फॉलो हो गई ग्रुप 16 टू 13 टू 18. नाउ द ग्रुप थ्री एलिमेंट्स कंटेंट्स थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, ये तो सभी लोग जानते हैं. ओके, एंड उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बात करूं एनएस एंड पी. ओके, इसका ऑर्बिट मैंने यहाँ पे बनाया. अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट है ना? क्लियर? वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप थर्टीन. ओके, अभी हम ग्रुप स्पेसिफिकली थर्टीन की बात कर रहे हैं. ओके, 14, 15 टू 18 वो आप भूल जाइए अभी. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ग्रुप 13 एलिमेंट्स. ओके, सो ग्राउंड स्टेट में द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट लाइक दिस, इस तरीके से होगा. एंड जो एक्साइटेशन स्टेट होगी इसकी, एक्साइटेड स्टेट, दैट मींस इससे एक इलेक्ट्रॉन्स निकल कर यहां पर आ जाएगा. क्लियर है? यहां पर प्लस वन है एंड यहां पर प्लस थ्री है. ओके, नाउ जो थैलियम होता है, थैलियम सोज प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो, नहीं जानते तो आप लोग जान लो. जो थैलियम होता है सोज द प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग, हम लोग डिस्कस किए हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो स्टेबल हो जाता है. दैट मीन्स इन ग्रुप 13, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 13, द प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पर उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. ओके, सो डाउन द ग्रुप जाने पर एलिमेंट्स थैलियम है, दैट मीन्स थैलियम सोज प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, क्लियर है ना? एंड नाउ जो बोरोन है, बोरोन हैव नो एविडेंस टू सो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट. दैट मीन्स बोरोन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट सो नहीं करता है. क्लियर? एंड ये नेचर क्यों होता है, स्टेबिलिटी करेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट increases more and more. When we move down the group. Okay. Anyone have any doubts? Sir, वो boron फिर plus three show करेगा? Yes, boron plus three show करेगा. Always plus three show करेगा. Okay. Thus, thallium. इसका मतलब जानते हो आप लोग? That means ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है इसमें थैलियम प्लस वन कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन थैलियम प्लस थ्री.
ओके क्लियर. दिस ये ऐसा वेरिएशन क्यों होता है, दिस वेरिएशंस इज ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट. इनर पेयर और इनर्ट? इनर्ट. ओके नाउ इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन, अगर करेक्ट डेफिनेशन की बात करूं तो उसको आप लिख लीजिए, टू एस इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको वन एंड टू मार्क्स में आ जाए डेफिनेशन लिखने के लिए तो आप इसको लिख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आप कह सकते हैं टू एस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सेल टेंड्स टू रिमेन पेयर्ड. And not participating in the compound formation. Okay, clear है ना? ये inert pair effect है. जनरली कुछ आपको वो उस टाइप का नहीं लगता जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है. दैट मींस जो s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या है, टेंस न्यूक्लियस के तरफ से अट्रैक्ट रहते हैं. ओके दैट मींस ये एक्साइटेशन स्टेट में नहीं पहुंच पाते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं ना लूज कर पाते ना गेन कर पाते हैं, और अगर लूज गेन नहीं कर पाएंगे तो किसी कंपाउंड फॉर्म जो कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होगा. कंपाउंड फॉर्मेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे या गेन करेंगे या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे. बट ये एस इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रिक्टली अटैच टू न्यूक्लियस हो जाते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. ओके तो ये इस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं शो करते हैं. ओके इनर्ट पेयर इंक्रीज ग्रेजुअली इन गैलियम. इनर्ट पेयर ओके, अभी मैं इसको आईपी लिख रहा हूँ. ओके समझ जाना आप लोग. Inert pair effect increases gradually in gallium, indium and thallium. Okay. थैलियम कंपाउंड्स. ओके दैट्स व्हाई इनमें एक वैलेंसी शो करती है. दैट मींस अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ जाएगा तो ये वाला कंपाउंड, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे. क्लियर है ना? हाँ. ये वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, तो दैट मींस ये ओनली यही इलेक्ट्रॉन्स बच्चा पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये क्या शो करेगा, ओनली प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर? हाँ सर. That's why जो inert pair effect होता है gradually increase होता है from gallium to thallium. Okay, ये हमको इस इनके compounds में देखने को मिलता है. Okay? Yes, sir. Now, gallium plus positive compounds are unstable.
एंड कैन यू टेल मी द नेक्स्ट इंडियम प्लस कंपाउंड्स? ये स्टेबल होंगे, मॉडरेटली स्टेबल होंगे, अनस्टेबल होंगे, क्या होंगे? स्टेबल या मॉडरेटली स्टेबल, ओके, बिकॉज टी एल प्लस वन होगा, ये स्ट्रिक्टली और स्ट्रॉन्गली स्टेबल होगा, ओके? हाँ सर. ओके स्टेबल, ओके. नाउ अभी कुछ सिमिलरिटीज हैं बिकॉज दिस सोर्स, ये तो आपको मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बात बता दिया, ओके. नाउ देयर आर सच सिमिलरिटीज बिकॉज ये प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट और कौन शो करता है? एल्कली मेटल्स. हाँ, तो इसकी जो थैलियम की है, थैलियम में कुछ रिजेम्बलेंस होती है जो एल्कली मेटल्स के साथ फॉलो करती हैं. ये एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में आता है. नाउ इसको आप लिख सकते हो कि क्या क्या है, बिकॉज दोनों की प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो उसको आप नोट करो. टी एल प्लस वन सॉल्ट resembles alkali metals. Okay. Because TL is having large size and low oxidation state. Okay. Now कुछ point है वो आप note कर लीजिए. That is point number one. TLOH okay. TL OH is soluble in water. Soluble in water, yielding strong alkaline solution. This solution is very similar to solution or very similar to NaOH. Clear? So we can, अब इसको हम कह सकते हैं कि जो TLOH का नेचर है वो बेसिक नेचर होता है या एल्कलाइन नेचर होता है. क्लियर? Now second point is that is TL plus 1 cyanide परक्लोरेट सल्फेट नाइट्रेट फॉस्फेट एंड कार्बोनेट आर स्टेबल एंड आइसोमोर्फस विथ एल्कली मेटल्स. ओके, दैट मीन्स साइनाइड हो गया, परक्लोरेट हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फेट फॉस्फेट कार्बोनेट्स आर स्टेबल
are stable and isomorphous with alkali metals. Okay, clear? समझ में आया? तो isomorphous मतलब? हाँ, मुझे पता था. Isomorphous word जो word है इसका meaning कौन कौन जानता है? बताओ मुझे. कौन कौन? कोई जो भी जानता है मुझे बताओ. क्या होता है isomorphous word का meaning? Same structure. Yeah, but we can call same structural, but this is not structural. This is crystalline form. Okay, structural means होता है कि structural तो water का भी होता है structure. Okay, but ये crystalline form में रहता. That means थोड़ा सा solid form में रहता. जैसे हम लोग का sugar हो गया, salt हो गया. Clear? हाँ. Crystalline form में रहता है. समझ में आया? दैट मींस जो सोडियम के क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो कार्बोनेट सल्फेट ये सोडियम के क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं सिमिलर फॉर्म TiTl1 के होते हैं. समझ में आया? एनीवन डाउट क्लियर हुआ? आइसोमॉर्फस का मीनिंग. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक एल्कली मेटल्स Ti1 इज नोन फॉर जो इसके एलम्स होते हैं. एलम्स जानते हो ना आप लोग? सर पॉइंट नंबर थर्ड है ना या फोर्थ है? पॉइंट नंबर थर्ड. ओके, लाइक एल्कली मेटल्स Tl1 फॉर्म्स एलम्स. ओके, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल Tl2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ड्राइव डॉट 24H2O. क्लियर? समझ में आया? नाउ फोर्थ पॉइंट इज TlCl is having distorted NaCl type structure. Distorted Hello. थोड़ा कनेक्शन लूज हो गया था मेरे यहाँ से. वेयर इज अदर थैलाइड्स थैलाइड्स क्लियर? जो TlCl होता है वो डिस्टॉर्टेड NaCl टाइप स्ट्रक्चर रखता है. एंड वेयर इज अदर थैलियस हैलाइड्स क्रिस्टलाइज्ड विद CsCl स्ट्रक्चर. समझ में आया? ओके, अभी मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ क्या स्ट्रक्चर होता है. थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. दैट मींस ये एलिमेंट्स हैं, मान के चलो 2s और सरफेस बाउंड्री फॉर सरफेस बाउंड्री फॉर 2s ऑर्बिटल. ओके,
Now, this is the other bonding orbitals. जो भी इसके साथ रिएक्शन करने वाला कंपाउंड है ओके सो ये इस तरीके से रिएक्शन फॉर्म करेगा क्लियर या ये इस तरीके से तो नहीं होने वाला बिकॉज न्यूक्लियस अटैच होता है ओके ये स्ट्रक्चर होगा ओके एंड सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज दिस दिस फॉलो दिस दिस इज सेम सेम कौन सा दिस इज द सरफेस बाउंड्री ऑफ 6s ऑर्बिटल्स ओके 6s ओके दिस इज द अदर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हेलो सुनो अगर इसमें देखा जाए बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया कि दिस ऑर्बिटल्स ओवरलैप अबाउट 24% रीजन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस 2s ऑर्बिटल्स ओके एंड दिस स्ट्रक्चर ओवरलैप 7% ऑफ 6s ऑर्बिटल्स ओके This is the comparison of overlapping between small 2s orbitals and large 6s orbitals. Okay, from with another orbitals. या कोई दूसरा atoms है कैसे reaction होते हैं 2s orbitals के साथ कितना percent form करता है and 6s orbital के साथ कितना percent reaction करता है. Okay. Sir, आपकी आवाज अटक रही है. Hello. Okay. Now this is the comparison between the orbitals. This is the comparison between the overlapping of orbitals. Okay. So 2s orbital reacted with 24% and 6s orbital reacted with 6%. 7%. Okay. समझ में आया चीज? Questions में आएगा कि जो 2s orbitals होते हैं उसका 2s orbitals and 6s orbitals का जो comparison करते हैं तो कौन सा orbitals कितने percent react करता है percentage data ना पूछे but maximum पूछेगा कौन सा orbitals maximum reacted करता है या maximum bonding form करता है with other atoms तो आपको 2s orbitals लगाना in comparison to 6s orbitals okay ये इसी inner pair effect का ही part है okay now the next heading is chemical properties अब उसमें chemical properties नाम ले सकते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग तो आपको मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है कि आप लोग सुनो अगर उसमें कुछ बताने का होगा तो मुझे बताना आप लोग ओके द नेचर ऑफ बॉन्डिंग दैट मींस बी प्लस थ्री कैटायन जो बोरोन कैन नेवर फॉर्म जो बोरोन है वो प्लस थ्री कैटायन फॉर्म करेगा कि प्लस वन कैटायन फॉर्म करेगा Plus three. Okay. So nature of bonding अभी आपको मैं नहीं लिखाता हूँ because इसमें थोड़ा सा tricky part है उसमें आपको आगे आने वाली चीजें confirm हो जाएंगी that means nature of bonding आपको समझ में आ जाएगा. Okay. So the next point is complex formation. Anybody knows the complex formation? The complex formation में क्या होगा? कौन कौन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे सो
Now the heading is complex formation. Okay, before complex formation, एक allotrophs का heading है. Okay, allotrophs and isotrophs. Okay, that is point number 11 or 12. जो भी होगा, whatever point आप लोग उसको note कर लीजिए. Okay, that is allotrophs and isotopes. Okay, now boron exists mainly two allotropic form. Okay, that is amorphous dark, number one. Amorphous dark. Brown powdered and crystalline. Crystalline black, very hard solid. Okay, it occurs in two isotopic forms. It occurs in two isotopic forms. Number one is V510 and number second is V511. And V510 जो है वो exist करता है, that means 20% इसका abundance है, 20% abundance and rest is 80% iska abundance hai. Okay, clear? Haan sir. So allotrophs and isotrophs mein kisi ko doubt hai? Isotope means uske naam se hai, allotrophs means uski jo kya bolte hai physical फिजिकल स्टेट है वो बता रहा है, वो उसका फिजिकल स्टेट. एंड आइसोटॉप्स मींस फिजिकल स्टेट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपको दिखाता है. जैसे मान के चलो कि आपके पास शुगर रख दिया एंड ग्लूकोज रख दिया. ओके, तो दोनों एक दूसरे के ये एलोट्रॉप टाइप के हैं, ग्लूकोज भी है शुगर भी है. एलोट्रॉप फॉर इंस्टेंस के लिए मैं एलोट्रॉप मान के चलता हूँ. And that means एक का फॉर्मूला C6H12 है एंड एक का फॉर्मूला C12H22O11 है. क्लियर? सिमिलर टाइप है. अगर दोनों आपके सामने रख दिए जाए तो आप उसका केमिकल फॉर्मूला नहीं बता सकते. बट अगर आपकी आवाज अटक रही है. ओके, सो मेरा बैटरी शट डाउन हो गया लैपटॉप का. मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ. ओके, इस पॉइंट को. ओके सर. सर हाँ बोलो. यस 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 सर, अभी भी आवाज अटक रही है. Okay, we will discuss this point in the next lecture because laptop battery shut down ho gaya mera. Okay sir. Okay, so if anybody sir.
मैसेज कर सकते हैं। हाँ बोलो 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 कल्पना, दिस इज योर नेम और योर फादर्स और मदर्स नेम। हाँ सर आदित्य भट्ट। हाँ सर हेलो हेलो यस हाँ सर कोई डाउट है? नहीं सर जो वन पॉइंट रिपीट करेंगे क्या? मैं इसको नेक्स्ट क्लास में रिपीट करता हूँ ओके, बिकॉज अभी लैपटॉप का बैटरी डाउन हो चुका है, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। ओके हाँ सर चलते हैं। ओके सो बाय एवरीवन। ओके हाँ सर ओके बाय सर बाय सर बाय।